गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? क्या हो गया? ओरियो जो है ना वो बालकनी में बैठी है और बालकनी में बैठ के जो है वो मुझे देख रही है। इवन दो ओरियो ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज मेरे ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो गया है। अभी जो है अराउंड मे बी लाइक 8:45 या 8:50 हो रहे हैं और आज मेरे ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया है। मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ? मैं खा रही हूँ बीन्स, मेरे बीन्स मेरे, और ये है हमारा सैंडविच, एग, चीज एंड ब्रेड। एंड बीन्स की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि बीन्स की क्या स्टोरी है। बीन्स की ये स्टोरी है कि एक्चुअली हमने बनाए थे कल, नहीं परसों, बीन्स बॉईल करके रख दिए थे बहुत सारे, और उसके बाद अभी जब मैंने फ्रीज़र खोला तो मुझे नज़र आए तो मैंने कहा चलो नाज मैडम बीन्स खाएं आप बीन्स, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि यार मतलब रोज़ सेम ब्रेकफास्ट जो होता है उससे बंदा ना बोर हो जाता है, अजीब हो जाता है। और ओरियो मैडम जो है ना वो बैठ के मुझे इस तरीके से घूर रही हैं जैसे मैंने इनको नाश्ता नहीं दिया। ओरियो, आपका नाश्ता आपने कर लिया ना? मामा को देख रही हो? ये क्या नजर आ रहा है? वो ये सोच रही है कि ये औरत जो है वो पागल हो गई है, और क्या कहते हैं कि खुद ही से बात की जा रही है, कैमरा ऑन करके चाय पिए। चीयर्स, आज मैंने चाय भी साथ ही बना ली बिकॉज डेफिनेटली आज ब्रेकफास्ट में लेट हो गया था तो मैंने कहा चाय भी साथ ही बना लेती हूँ। और ये अब आने लगी है। पर आप लोग बताइए, आप लोगों का नाश्ता हो गया? कौन क्या क्या नाश्ता कर रहा है? क्या क्या मेन्यू होते हैं आप लोगों के नाश्ते में? मुझे बोरिंग नाश्ते बिल्कुल नहीं पसंद ना, हर दिन कुछ ना कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए। और मैं जो हूँ ना वो ब्रेकफास्ट ज़रा हैवी करती हूँ, उसके बाद लंच लाइट और डिनर तो बहुत ही ज़्यादा लाइट ना। तो मेरा जो डे का जो फर्स्ट मील होता है वो होता है नाश्ता, हैवी नाश्ता। एंड सबसे पहले कॉफ़ी जो मैंने आपको कल भी बताया था, और उसके बाद फिर नाश्ता और चाय और फिर कॉफ़ी। और यार ये बीन्स ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सैंडविच के साथ, उसको मैंने उसे बॉईल किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, अभी इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला है एंड ब्लैक पेपर। सब्जी का जो नेचुरल टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बट हम लोग इंडियन और पाकिस्तानी सब्जी को ओवर कुक करके ना उसका नेचुरल टेस्ट खराब कर देते हैं। मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं। कल मैं निकली बाहर अराउंड 7:30-8 बजे का टाइम था, शाम का या रात कहने नॉट शाम। तो आप लोगों ने देखा है कि जो गुलशन में रहने वाले लोग हैं, अजीज भट्टी पार्क है जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है, वहां पर जो है वो फ्लाई ओवर बना हुआ है, सर सैयद और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे लोगों ने, कराची के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो उसके नीचे कल लगी हुई थी आग, आग लगी हुई थी एंड आई थॉट कि आग लग गई है, इतना धुआं इतनी ट्रैफिक, आई थॉट कि आग लग गई है। बाद में क्या मुझे पता चला जी, वहां पर जो ना कचरा रखते हैं, ये कचरा कुंडी जो होती है ना, सही है, वहां पर पूरा गार्बेज जमा किया जाता है एंड उसके बाद क्या कहते हैं कि गार्बेज जमा करके उसको डिस्पोज नहीं करते, सही है, उसको जो है आग लगा देते हैं। और वो आग इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड भी आ गया और बाद में वहां पर रेंजर्स भी आ गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, जो कि किसी काम की नहीं है, सही है, और ऊपर से ये केएमसी वालों अपनी काम चोरी छोड़ दो यार तुम लोग, सही है, कचरे को सही से डिस्पोज करो। आप लोग खुद एक चीज सोचो कि एक तो कचरा, ऊपर से उसमें आग लगाई जा रही है, उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स, उसमें जो है वो प्लास्टिक के जो है वो बैग्स, वो प्लास्टिक मेल्ट होके उसके जो फ्यूम्स हैं और उस कचरे में जो भी चीजें हैं उन सब के जो फ्यूम्स उठ रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं। यार क्या कर रहे हो आप लोग, कराची वालों को मारना चाहते हो?
सिटीज को जो है वो बड़ी सिटीज को खत्म करना चाहते हैं आप लोग, कुछ स्टेप उठाइए। और मैं हर पाकिस्तानी को एक बात बोलूंगी, जो भी चीज देखते हैं ना आप लोग आंख मत बंद किया करो, उस पर आवाज उठाया करो। लोग आंख बंद कर देते हैं, लोग कहते हैं यार हमारा घर साफ है ना तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्या कराची हमारा घर नहीं है? पाकिस्तान हमारा घर नहीं है? तो कराची और पाकिस्तान भी साफ होना चाहिए। मैं हर छोटी चीज को नोट करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, और जिस चीज की मुझे मौका मिलता है वीडियो बनाने का, इवन तो मैंने कल ट्राई किया वीडियो बनाने के लिए बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां पे खड़ा हुआ था, रेंजर्स वाले खड़े हुए थे एंड बहुत ज्यादा वहां पब्लिक थी, ट्रैफिक पूरी जैम थी। अब मुझे यही लगा कि आग लग गई है, बट ये केएमसी वालों ने लगाई ताकि इनको कचरा डिस्पोज नहीं करना पड़े। केएमसी वाले जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अपने चार्जेस ठोक ठोक के भेज रहे हैं, तो वो पैसे जो है केएमसी वालों जो आप लोग हमसे ले रहे हो टैक्स की शक्ल में या के इलेक्ट्रिक की बिलों की शक्ल में, अपने जिस्म के कौन से हिस्से में डाल रहे हैं आप लोग, बताना पसंद करेंगे आप लोग? कोई आपके जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा है जहां पर आप पैसे जमा करते हैं ताकि कोई और वहां पे पहुंच नहीं पाए आपके पैसे देखने के लिए? आवाज उठाएं, आप तब भी आवाज उठाइए, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा जितने लोग आवाज उठाएंगे, वैसे तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी बट स्टिल जितने आवाज उठाएंगे ना, हो सकता है कि इन पे कोई प्रेशर इन पे हो और ये सब ये घटिया हरकतें करना छोड़ दें। यार मैं ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ और मुझे कोई ना कोई किस्सा याद आ जाता है, क्योंकि ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेकफास्ट मेरा कल की तरह अगेन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ जो हर छोटी चीज को नोट कर रही होती है, तो इसलिए मेरा दिमाग ज्यादा घूमता है। मुझे सब कहते हैं कि यार तुम वीडियो बना रही हो, वीडियो पे तुम जो हो वो मस्ती करो मजाक करो। भाई मैं मस्ती मजाक करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, सही है? मैं वो नहीं हूँ कि बैठ के मैं अपने घर के मसले आकर के वीडियोस पे डिस्कस करूँ और शॉपिंग कहाँ करने जा रही हूँ और खाना क्या पका रही हूँ और रूटीन मेरी क्या है। इट्स नॉट लाइक दैट, समटाइम्स हो गया ओके, बट ये इश्यूज पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? मैं एक बात करूंगी तो मुझे देख के बाकी लोग भी बात करेंगे, उनमें भी हिम्मत आएगी ना बात करने की। तो कदम से कदम मिलाएं और आवाज उठाइए। चलो यार मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ, बिकॉज मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ठंडा तो नहीं हुआ है, खैर थोड़ा सा रह गया, ये बीन्स थोड़े से हैं और सैंडविच हाफ है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, किसी और चीज को लेके हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, इंजॉय योर डे, इंजॉय योर ब्रेकफास्ट, अल्लाह हाफिज, सी यू।